जय श्री राम दोस्तों। तो कल फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया और रिलीज होते ही ट्रेलर हर जगह ट्रेंडिंग भी करने लगा। कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद आया तो कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं से भी ट्रेलर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इवन ट्रेलर के कुछ सीन इतने अच्छे हैं कि नापसंद करने वाले लोगों को भी आदि पुरुष मूवी के लिए एक्साइटेड करने का काम करता है। ऐसे तो ट्रेलर में कुछ सीन है जिसका VFX मुझे उतना पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। कल के दिन आदि पुरुष के ट्रेलर को इंडिया समेत 70 देशों में लॉन्च किया गया और इतने बड़े स्केल पे अब तक किसी भी इंडियन मूवी के ट्रेलर को लॉन्च नहीं किया गया था। पर क्या इतनी ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी आदि पुरुष के ट्रेलर की कमियों को छुपा पाएगा, क्योंकि ट्रेलर में हमें वही पुराना कमी देखने को मिल रहा है जो कि आदि पुरुष के टीजर में देखने को मिला था। तो हम हर एक चीज पे एक एक करके बात करेंगे कि ट्रेलर में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और क्या उस कमी को अब भी ठीक किया जा सकता है। बाकी रामायण की कहानी हमने बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं, तो रामायण सबको मुंह जवानी याद भी है, बट बड़े स्क्रीन पे देखने का एक अलग मजा आता है। इसलिए आदि पुरुष मूवी से सभी की उम्मीदें लगी है कि प्रभु श्री राम की कहानी हम बड़े स्क्रीन पे देखें। खैर हम ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें हनुमान जी देखने को मिलते हैं जो कि एक गुफा में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। साथ ही बैकग्राउंड में उनका वॉइस सुनने को मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। हनुमान जी का वॉइस कानों को बहुत सुकून देता है, लेकिन हनुमान जी को छोड़ के उनके पीछे का बैकग्राउंड नकली लग रहा था। उसके बाद हमें सेकेंड शॉट देखने को मिलता है जिसमें प्रभु राम, माँ सीता और लक्ष्मण दिखते हैं, और वो पूरा महल एक एनिमे के कार्टून जैसा लग रहा था। ऐसे तो ओम रावत ने कहा है कि ये पूरा रामायण एनिमे रामायण से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, इसलिए तो पूरा ट्रेलर एनिमे जैसा लगता है। पर एक बात कहूं तो ना तो ये ट्रेलर फुल एनिमे जैसा दिख रहा है और ना ही लाइव एक्शन जैसा, पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या बना दिया है। वहीं हम अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले प्रभास यानी प्रभु राम की कैरेक्टर की बात करते हैं, तो मुझे कहीं से भी प्रभास प्रभु राम के रोल में फिट नहीं लग रहा, क्योंकि प्रभु राम की जितनी भी मैंने अब तक कहानी सुनी है या देखा है उनमें उनके फेस पे एक अलग तेज दिखाई देता है, लेकिन प्रभास के फेस पे वो चमक देखने को नहीं मिल रहा। एटलीस्ट अगर प्रभास बाहुबली जैसा ही रोल इसमें भी करता तो वो मुझे बहुत पसंद आता। माँ सीता के रोल में कृति सेनन अच्छी लग रही है, बट उनको भी ट्रेलर में मॉडर्न दिखाया है। अब इन बॉलीवुड वाले से क्या ही कहे, एक के बाद एक गलती पे गलती किए जा रहा है। पहले जो हमें माँ सीता का ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिला था उसमें उन्हें बिना सिंदूर के ही दिखा दिया था, और अब टीजर के ही तरह ट्रेलर में भी मॉडर्न लुक देखने को मिली जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और ये ओम रावत ने बहुत बड़ी गलती की है। लक्ष्मण जी के रोल में सनी सिंह बहुत ही कमजोर एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का लक्ष्मण जी का कैरेक्टर था वो बहुत एक्टिव और एग्रेसिव टाइप का था, और ये चीज हमें ट्रेलर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इवन वॉइस में वो पावर तक नहीं सुनाई देता जो कि लक्ष्मण जी के कैरेक्टर पे होना चाहिए। वही हनुमान जी के फेस पे वो भोलापन कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है। बाकी उनकी वॉइस कानों को सुकून देता है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो हनुमान जी का कैरेक्टर जो कि एक भी जगह पे फिट नहीं बैठ रहा। और अगर हनुमान जी ही लोगों को पसंद नहीं आए तो आदि पुरुष लोगों को कैसे पसंद आएगा। एक ही कैरेक्टर है जिसपे आदि पुरुष के मेकर्स ने बहुत अच्छे से काम किया है, और वो है रावण का कैरेक्टर जिसे सैफ अली खान प्ले कर रहा है, और इतने अच्छे से उस पे काम किया है कि पता ही नहीं चल रहा कि प्रभु राम की कहानी है या रावण की। अगर आपको पता चलता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ट्रेलर की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और इसका सॉन्ग जो कि आने वाले टाइम में बहुत सुपर हिट होने वाली है। म्यूजिक में नो डाउट म्यूजिक आपको प्योर गूज़बम्प देता है। म्यूजिक के बाद जो इसका सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका डायलॉग, और इसे आप थोड़ा भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। और लिटरली ये वाला डायलॉग पूरे सिनेमा हॉल में सीटियों और तालियों के गूंज से झूम उठेगा। बाकी इसके सभी डायलॉग बहुत पावरफुल है। वहीं कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, जैसे ये वाला सीन जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लेते हैं। बाकी बहुत से सीन्स ऐसे भी है जिन्हें अभी भी पॉलिश करने की जरूरत है, जैसे हिरन वाला सीन हो गया, फिर ये जटायु वाला सीन और हनुमान जी का लंका वाला सीन, और ना तो एक भी टीजर वाला सीन हमें
ट्रेलर में देखने को मिला, तो कोई कैसे बोल सकता है कि इसके VFX एंड ऑल पे काम किया गया है। बस कुछ जगहों पे कलर ग्रेडिंग चेंज किया है। ओवरऑल आदि पुरुष का ट्रेलर भी टीजर जैसा ही है और पूरे रामायण के थीम को इतना डार्क मोड पे रखा है कि कहीं भी नहीं लग रहा कि ये रामायण बनाई गई है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आदि पुरुष का ट्रेलर देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आदि पुरुष का ट्रेलर आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाए।